नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। दिखाते हैं आपको देर शाम की ताजा तरीन समाचार। बात करते हैं झालावाड़ जिले और मंदसौर जिले की तमाम खबरों के साथ। भवानी मंडी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 300 प्रतिभा विद्यार्थियों ने को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस पर इस अवसर पर नगर की मेड़तवाल धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि डग विधायक कालराम मेघवाल, आरएमएस जिला संचालक बने सिंह चौहान, मुख्य वक्ता एबीपी प्रधान मंत्री गुंजन झाला, वरिष्ठ अतिथि भवानी मंडी पंचायत समिति प्रधान सुल्तान सिंह के सानिध्य में भारत माता स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके पश्चात मुख्य अतिथियों व पदाधिकारियों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। समारोह में कक्षा 10वीं 12वीं के 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील दीक्षित, पार्षद प्रदीप जैन, डॉक्टर आयुष दयाल, डॉक्टर भूपेश दयाल, पवन योगी, ऋषभ संगी, गोवर्धन गुप्ता, अनुराग मोदी, अर्जुन सेन, आशीष पोरवाल, गोपाल वर्मा, दीपेश मोहित गोयल आदि कार्यकर्ता विद्यार्थीगण रहे मौजूद। पढ़ाया करेंगे, इनका डिप्रेशन जैसी चाहे पिताजी हो या बड़ी बहन हो या बड़ा भाई हो, एक सदस्य घर में अपने के नाम से करती है। ऐसे सभी कार्यक्रमों में आपको जुड़ना चाहिए। यहाँ से मैं आपको इस मंच के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी उनके बारे में सोचना कि किस परिश्रम से उन्होंने आपको पढ़ाया है, लिखाया, पढ़ने भेजा है। और हम लोग ऐसी एज में हैं, अभी हम लोग किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं। डग बुनियादी साक्षरता व संज्ञान आधारित 6 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण दिवस का चरण आज समापन हुआ। शिविर के प्रभारी क्यासरा प्रधानाचार्य राजेंद्र जैन ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि चोमेला प्रधानाचार्य कालूलाल शर्मा के वरिष्ठ अतिथि रहे। डग प्रधानाचार्य पुखराज जैन रहे और उनके शर्मा उनके पूर्व विधायक रहे साथ। जीवन निर्माण को याद करते हुए कहा कि इस प्रकार शिक्षक किसी गुरु का जीवन बदल सकता है, उसका उदाहरण आपके सामने स्वयं है। शिविर प्रभारी ने कहा कि हमें शिक्षा से प्रेरित क्षेत्र में काम आने वाले का सौभाग्य मिलता है। इसमें हमें रचनात्मक भूमिका निभाकर राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक काम करना बहुत जरूरी है। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए एवं उसमें नवीन पद्धतियां एवं नवाचार स्थापित करने के लिए FLN के माध्यम से 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के द्वितीय चरण का समापन समारोह था, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियां हमारे KRP बंधु सम्मानी राकेश जी जैन, सम्मानी दिनेश जी राठौड़, सम्मानीय धीरज जी चौधरी, सम्मानीय हुसैन अली जी, सम्मानीय गोवर्धन राम जी। झालावाड़ जिले भर में सभी चिकित्सा संस्थानों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ दिवस का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला चिकित्सालय व शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व निजी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ दिवस अभियान का आयोजन किया गया। इस माह की 9 तारीख को किया जाता है। अभियान के दौरान सेवा आवश्यक रूप से चिकित्सा अथवा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा दी गई है। अभियान में प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक गर्भवती महिलाओं का गुणवत्तिक प्रसव का पूर्व जांचें करवाई है। ये जानकारी ब्लॉक CMHO साजिद खान ने दी है। अब बात करते हैं झालावाड़ जिले के कामखेड़ा से। झालावाड़ जिले कामखेड़ा थाना क्षेत्र परिसर में बैठक आयोजित हुई। मनोर थाना तहसीलदार धनराज मीणा की अध्यक्षता में कामखेड़ा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह गौड़ ने बताया कि ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान बताया गया कि सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट का माहौल खराब करने वाले को कानून व्यवस्था का पालन नहीं करने को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में निर्देश के बाद बैठक में सभी समाज और धर्म के लोग उपस्थित रहे। झालावाड़ MACT कोर्ट झालावाड़ के न्यायाधीश ब्रजेश पंवार व झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के
सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अशोक शर्मा द्वारा मेडिकल कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के सहयोग से किया गया। इस मौके पर न्यायाधीश ब्रजेश पवार ने कहा कि पर्यावरण को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए वृक्षारोपण की अहम भागीदारी रहती है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज परिसर में डॉक्टर अशोक शर्मा द्वारा किए गए कई कार्यों की भी प्रशंसा की है। वहीं साथ ही वृक्षारोपण में सिर्फ एक से बढ़कर एक पेड़ पौधे लगाए हैं और वहीं एक जिम्मेदारी दी है कि हमें इसकी रक्षा करनी है। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जिको। छोड़ के मत दाओ एक लीर बन जारा रे बन जारा रे रे। आ नूर दे चरा है मामला अब जाको साहेब ने महल बनाई बन जा रहा रे बन जा रहा रे। हा गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जा रहा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक नीर बन जा रहा रे बन जा रहा रे। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, बहानी मंडी।